साथियों स्वागत है आपको हमारे चैनल पी सी एस दर्पण पर आज का जो सेशन देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डे एड इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है यह टेस्ट सीरीज जो होने वाला है दोस्तों यह तेरह नंबर का है तेरह नंबर टेस्ट सीरीज हम लोग करने वाले हैं द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम वन है तो भाई इस सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा संयुक्त प्रवेश परीक्षा दो में जिनका भी तैयारी है डी के लिए या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है यह बीस सेट हम लोग पूरा कम्प्लीट कराने वाले हैं ठीक है जिसमें तीन प्रीवियस ईयर और सत्रह जो है टे टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम लोग आज जो है कौन सा टेस्ट सीरीज करेंगे दोस्तों तो आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है यह है दस नंबर ठीक है तो आइए सेशन को करते हैं क्योंकि हमने पहले ही प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करा दिया है तो आइए हम लोग टेस्ट सीरीज दस को करते हैं जिसमें पहला सेक्शन हम लोग का आता है इंग्लिश लैंग्वेज का ठीक है सेक्शन वन इंग्लिश लैंग्वेज आता है पहला क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिजास्टर डिजास्टर मतलब क्या होता है आपदा तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ट्रेजी हो जाएगा इसका मतलब भी आपदा होता है राइट आंसर डी है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दे आर फेसिंग अ डैश कॉम्पिटिशन इन बिजनेस कॉम्पिटिशन इन बिजनेस तो क्या हो जाएगा फायर्स हो जाएगा राइट आंसर ए होगा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड क्या दिया हम लोग का द अ पर्सन हु वर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब आंसर होगा वेगा बॉन्ड राइट आंसर बी होगा सेलेक्ट द इनकोरेक्टली एस्पेल्ट वर्ड लास्ट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर आंसर हो, हो जाएगा एल ए पी होगा एस ई लैप्स ऐसे होगा है ना ना कि एस पी -E होगा लैप्स ऐसे होगा लैप्स मतलब क्या होता है बात बीत जाना है अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम क्या हुआ आइडन समोल का दिया हुआ फॉल आउट विथ समोन फॉल आउट विथ होगा इसका इसका मतलब होता क्या है किसी से झगड़ा करना या किसी से वाद विवाद करके दोस्ती को समाप्त कर लेना इसका मतलब यह होता है फॉल आउट विथ आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा ए स्टॉप बींग फ्रेंडली आफ्टर अ एग्रूमेंट तो राइट आंसर A होगा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द दिवेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स लायंस होम लायंस होम आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा डेन राइट आंसर है है ना यानी क्या में रहता है लाइन लाइन जो उसका गुफा होता है उसको तो हम लोग मांद कहते हैं ना तो राइट आंसर इसका बी होगा डेन अगला देखिए सेलेक्ट द ऑप सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक डैश एक्सप्लामेटरी मार्क्स है आई फॉगेट टू इनफॉर्म यू अबाउट द पार्टी मतलब वो क्या कर रहा है वहाँ पे भूल गया है ना तो यहाँ पे भूल गया है जो हमारा तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा भूल गया है उसे इंफॉर्म करने के लिए पार्टी में है ना आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्स ऑप्स आई फॉगेट टू इंफॉम अबाउट पार्टी अगला देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीनोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड डिस्टिंग डिस्टिंग मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अलग प्रतिष्ठित सम्मानित है ना ये होता है सीनो सीनोनिम क्या बन जाएगा ऑनर्ड है ना राइट आंसर हो जाएगा सी इसका मतलब भी वही होता है अगला देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसी वॉइस माई फादर ऑन्स अ लार्ज पीसेस ऑफ रेटिल लैंड आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा अ लार्ज पीसेस ऑफ रेटिल लैंड इज ऑनर्ड बाई माई फादर राइट आंसर ए होगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फील इन द ब्लैंक द चेयरमैन स्पीच वॉज डैश टू द ओकेजन आंसर हो जाएगा एप्रीसीएट करते हैं ना ये ओकेजन पे जो इनका भाषण है वो एप्रिशिएट करता है तो राइट right आंसर है डी सेलेक्ट द सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्या है प्रॉस्पर प्रॉस्पर मतलब होता है क्या है प्रॉस्पर मतलब होता है फलना फूलना तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा डिक्लाइन राइट आंसर हो जाएगा

We are having फॉर सिंगापुर tomorrow मॉर्निंग सेट कबीर आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा कबीर सेट दर लिविंग फॉर सिंगापुर द नेक्स्ट मॉर्निंग राइट आंसर ये होगा मीनिंग ऑफ द गिवेन item. आई वॉस आई वॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पे धोखा या फिर छलावा है ना? धोखा याद रखिए इसका आंसर क्या बनेगा इसका अ डिसेप्शन आंसर हो जाएगा डिसेप्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक माय मदर वाज ट्राइड सी स्टेड अप ऑल नाइट आंसर क्या बनेगा एट राइट आंसर बी होगा एट देखिए मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक यू हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ डैश स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आंसर बनेगा योर आंसर होगा योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ये होगा सेलेक्ट द मोस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक दिस डेज यू गेट वेरी गुड डैश इफ यू बाय कस्टमर गुड्स ऑनलाइन आंसर बनेगा इसका डील्स आंसर होगा बी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक रेस्टोरेंट्स आर डैश न्यू वे ऑफ्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग कस्टमर्स दिस डेज आंसर हो जाएगा हमारा एडॉप्ट आंसर सी होगा अगला देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गि आइडम सी आई टू आई सी आई टू आई आंसर इसका इसका मतलब होता है सहमत होना आपको याद होगा दोस्तों कि हम लोग जब सेट वन या थ्री लगभग मार रहे थे तो उसमें भी सेम यही था ना तो कुछ कुछ सेम आती है उसे आप याद ही कर जाइएगा ठीक है आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एग्री राइट आंसर ए है अगला देखिए सेक्शन दूसरा है जो न्यूमिकल एप्टीट्यूड है जो हम लोग का मैथ्स का है आइए इसको भी सॉल्व करते हैं निम्नलिखित को हल करना है हमें देखिए सबके पावर राइकडिंग है तो आपको रैकडिंग का पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे होता है ये आपने सीख रखा होगा नाइन्थ क्लास में नहीं सीखे हैं बहुत अच्छी बात कोई बात नहीं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे यदि सीख गए तब तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों ठीक है नहीं सीखे तो फिर यहाँ पे देखिए क्योंकि मैंने हर सेट में लगभग ये आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब में मैंने बताया आपको देखिए जीरो पॉइंट फाइव है इसके पावर रैकडिंग है क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं फाइव बाई नाइन लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं सेम वही कीजिए सिक्स बाई नाइन जब यदि टू डिजिट रहती है दोस्तों तो टू नाइन होता है ठीक है ना फिर सेवन बाई नाइन फिर एट बाई नाइन अब आपको फ्रैक्शन का ऐड तो आता ही होगा दोस्तों इसे ऐड कर लीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा नाइन सभी को ऐड कीजिए फाइव सिक्स सेवन प्लस एट कितना हो जाएगा पंद्रह छः इक्कीस और पाँच छब्बीस है न छबीस छब बाई नाइन अब इसे आप ब्रेक कर सकते होल में जिए नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन आ रहा है ना तो नाइन टू जा एटीन नाइन टू जा एटीन आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका सी एटीन और एट कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका सी अगला देखिए यदि टू साइन इंटू थ्री एक्स माइनस थ्री डिग्री इज इक्वल टेन टू फोर्टी डिग्री है तो एक्स का मान डिग्री में हमें ज्ञात करना है आइए एक्स का मान हम लोग डिग्री में ज्ञात करते हैं देखिए टू साइन पहले जैसे कुछ वैसे लिखते हैं हम लोग वहां से हम लोग क्या करेंगे टू साइन जो है हमारा टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री डिग्री जो है हमारा इज इक्वल क्या इतना नहीं लिख सकते टेन वन एटी प्लस सिक्सटी लिख सकते हैं नहीं आएगा टू फोर्टी ठीक है लिख सकते हैं यहाँ पे लिखिए टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल यहाँ पे टेन सिक्सटी होगा बिल्कुल हो जाएगा टेन सिक्सटी यहाँ पे टू साइन थ्री एक्स माइनस थ्री डिग्री इज इक्वल क्या टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री नहीं होता है बिल्कुल होता है यहाँ तक आगे अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास इसको आगे लिखते हैं हम लोग साइन थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल रूट थ्री बाई टू लिख सकते हैं साइन साठ का वैल्यू ठीक है तो अब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे थ्री एक्स माइनस थ्री डिग्री इज इक्वल सिक्सटी डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टू था ये डिवाइड में आ गया और इसका वैल्यू जो था यहाँ पे जो टू था दोस्तों इसको हमने डिवाइड में लाया और जो इसका वैल्यू होता है वो साइंस सिक्सटी के बराबर होता है साइंस सिक्सटी के बदले हम लोग साइंस सिक्सटी के बदले यहाँ पे साइन और यहाँ से साइन हटा देंगे तो ये साइंस सिक्सटी का वैल्यू आ गया यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना तो ये माइनस में है इधर आया तो प्लस में आ जाएगा फिर सिक्सटी थ्री हो, हो जाएगा एक्स का वैल्यू सिक्सटी थ्री बाई थ्री कर देंगे इसको काट ही कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन तो आंसर आपका कितना है ट्वेंटी वन लिख रहा है ना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर बी चार क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है चार सौ चौरासी सबसे छोटी संख्या में बताना है सभी चार जो है सम संख्याएं जो क्रमागत है उसे हम लोग लिख सकते हैं पहला एक्स होगा दूसरा क्या होगा हमारा एक्स प्लस टू तीसरा होगा एक्स प्लस फोर यूहू एक्स प्लस सिक्स कितना होगा एक दो तीन चार हमें कितना लिखना है हमें चाहिए चार ही चार हो चुका इज इक्वल कितना है टू नहीं फोर एट्टी फोर है है ना दोस्तों फोर एटी फोर सभी को ऐड करिए कितना हो जाएगा फोर एक्स और सभी नंबर को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टूवेल्व इज इक्वल फोर एट्टी फोर एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा फोर एटी फोर माइनस टूवेल्व बाई फोर होगा इसे घटाइए कितना जाएगा चार सौ बहत्तर बाई फोर से काटिए आएगा वन वन एट आएगा एक सौ अट्ठारह आपका एक्स का वैल्यू आ गया है ना तो सबसे छोटी जो है वो कौन सा है एक सौ अठारह आंसर क्या आ जाएगा आपका बी देखिए एक्स और वाई एक काम को सोलह दिनों में करते हैं वाई और जेड चौबीस दिनों में एक्स वाई जेड साथ मिलकर बारह दिनों में तो आपको बताना है एक्स और जेड का कितने दिन में करते हैं तो पहले तो हम लोग तीनों वाला लिखेंगे एक्स वाई जेड जो तीनों मिलकर करते हैं कितने दिनों में करते हैं बारह दिनों में करते हैं एक्स प्लस वाई कितनों दिनों में करते हैं सोलह दिन में करते हैं और वाई प्लस जेड कितने दिन में करते हैं दोस्तों यस चौबीस दिनों में सभी कैल्शियम ले सकते हैं कैल्शियम जो होगा हमारा फोर्टी एट आएगा तो यहाँ से एक्स का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले हमें तीनों का पता है ना फोर्टी एट है इसका एफिशियंसी निकाल सकते हैं थ्री टू फोर आएगा है ना तो यहाँ से हम एक्स की जब क्षमता निकालेंगे तो टोटल में से वाई जेड घटाएँगे तभी तो आएगा ना तो वाई जेड हमारे पास है ना चौबीस दिन का उसका एफिशियंसी दो है और ये जो हमारा एक्स वाई जेड आया है एक्स वाई जेड इसका एफिशिएंसी कितना है चार है ना तो चार में से दो को घटाइएगा कितना आएगा दो आएगा ये दो जो आया दोस्तों यह एक्स का वर्क है ठीक है ना अब हमें क्या चीज का निकालना है अभी हमें वाई का भी निकालना है ठीक है तो वाई को निकालने के लिए एक्स वाई जेड जो है जिसका एफिशिएंसी चार है इसमें से हमें क्या निकालना होगा हमें निकालना होगा एक्स और वाई को निकालना होगा ना वाई ये निकालते हैं x और y को या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो x प्लस वाई है इसमें से आपके पास x का वैल्यू तो दे दिया दे है इसी में से निकाल दीजिए ना x को हटा दीजिए तो y का निकल जाएगा सिंपल सी बात क्या इस टोटल इसका आया है थ्री और टू को हटा दीजिए यानी एक क्या आ गया वाई का और एक का क्या आ गया का क्या आ गया है दोस्तों सौ एक्स का टू आ गया है आ गया है ना टोटल वर्क कितना है फोर्टी एट तीनों मिलेंगे दो और तीन इसको काटी सिक्सटीन टाइम में आंसर क्या हो जाएगा सी सोलह सचिन गणित में जो है सत्तर प्रतिशत अंक तथा विज्ञान में साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करता है मान लीजिए कि दोनों विषय के पूर्णांक समान है तो सचिन के दोनों विषय के कुल प्रतिशत अंक कितना होगा कितना हो जाएगा पैंसठ प्रतिशत आइए कैसे निकालते हैं हम लोग सिक्सटी फाइव परसेंट कैसे सपोज तो करिए उसका टोटल जो पूर्णांक है दोनों का वो कितना है हंड्रेड है ठीक कुल पूर्णांक टू हंड्रेड हो जाएगी होगा टू हंड्रेड पचीन ने प्रतांग कितना प्राप्त किया सत्तर और एक में साठ टोटल कितना है एक सौ तीस है ठीक है एक सौ तीस जो है ये टोटल कितना दो सौ पे हंड्रेड से मल्टीप्लाई दो जीरो से दो जीरो कैंसिल इसो का आ जाएगा सिक्स और फाइव यानी सिक्सटी फाइव परसेंट आंसर आ जाएगा बी सिक्सटी फाइव साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि जो है बारह वर्षों में स्वयं से दुगुना हो जाएगा कितने साल में दोगुना हो जाएगा आंसर इसका बनेगा आंसर बनेगा आठ पूर्णांक एक बट्टा तीन प्रतिशत आंसर डी होगा भाई निकालते हैं हम लोग कैसे निकलेगा बारह वर्षों के लिए बोल रहा है ना तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल को पी मान सकते हैं या फिर एक्स भी मान लीजिए ठीक है एक्स मान लीजिए बारह वर्ष के बाद जो है हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा ठीक और हमारा इंटरेस्ट कितना होगा तो इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं टू एक्स माइनस एक्स यानी एक्स आ गया आपका इंटरेस्ट अब यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट इन हंड्रेड बाई प्रिंसिपल इं टाइम होगा तो आइए इंटरेस्ट कितना आया है मेरा एक्स इंटू हंड्रेड प्रिंसिपल मेरा एक्स है टाइम मेरा ट्वेल्व ईयर है इससे ये काटिए फोर थ्री जो थोड़ से ट्वेंटी फाइव यानी कितना है ट्वेंटी फाइव बाई थ्री आए ट्वेंटी फाइव बाई थ्री को फ्रैक्शन में कीजिएगा तो एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव यानी आंसर आपका डी आया दो व्रत दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात एक अनुपात चार है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है तो देखिए क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है और पाई आर स्क्वायर डालिए पहला वाला क्या है वन है दूसरे वाले का क्या है फोर है इसका स्क्वायर कीजिए वन इज टू सिक्सटीन आंसर इसका आएगा आंसर वन आएगा इसका तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है सह अभाज्य कौन सी है सहभाज्य संख्या वैसी दो संख्याओं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो एक हो तो वह कौन सा है देखिए इसमें तो दोनों में मिलेगा सेवन सेवन थर्टीन ये तो कटेगा ही ट्वेंटी वन ये भी कटेगा लेकिन ये देखिए ये नहीं कटेगा है ना तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी अगला क्वेश्चन देखिए लड़की के तीन लट लकड़ी के जो है तीन लट्टों की लंबाई क्रमशः दिया है अड़तालीस छप्पन और बहत्तर मीटर वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह पूर्णतः मापा जा सकता है तो इसका क्या करेंगे दोस्तों हम लोग सबसे बड़ी लंबाई के लिए यानी एच सी बोल है सभी का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा सभी जो है दोस्तों ये एट के टेबल में आएगा क्योंकि नाइन में सब आएगा नहीं सेवन में आएगा नहीं ग्यारह में आएगा नहीं तो राइट आंसर हमारा सीधे डी होगा ये अंक दिया है इकहत्तर हजार छः सौ चौबीस में सात का स्थानीय मान बताना है मान इससे पहले वाला में पूछा था दोस्तों मान मतलब जो अंक है वही होता है स्थानीय मतलब जो अंक है वहाँ से उसके बाद जो डिजिट बता उतना जीरो डालना होता है ना तो आइए सेवन फर्स्ट में उसके बाद कितना जीरो कितना डिजिट्स है चार है एक दो तीन चार यानी सत्तर हजार आंसर हो जाएगा ए अगला देखिए एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का सात गुनी है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का निरूपित नहीं कर सकती है कौन नहीं निरूपित करेगा बावन नहीं करेगा आंसर इसका बी होगा आइए देखते हम लोग कैसे बना है इसको पहले तो हम मान लेते हैं बॉय का संख्या X, ठीक है और लड़कियों की संख्या क्योंकि है, ठीक कुल है? विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा जबकि विकल्प बी जो है यह आठ के गुणज नहीं, नहीं है लेकिन यह सभी आठ के गुणज है तो आंसर सीधे करेंगे। अगला देखिए बिंदु दिया है माइनस दो माइनस पांच भूज है यह कौन सा भुज में दोस्तों? आएगा दोस्तों माइनस टू आएगा ठीक है ना देखिए भुज जो है हमारा बिंदु का, का माइनस टू है और वाई का क्या है माइनस फाइव है तो हमें जो जो भुज होता है ना वो एक्स के निर्देशांक को कहते हैं भुज आंसर यहाँ पे क्या है हमारा ए है यदि बहुपद दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग निकालते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा अल्फा बीटा सी बाई ए होता है ना तो सी क्या है सी में वन है ए में क्या है वो भी वन है आंसर क्या है मेरा वन आया तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा वन बी होगा इसका अगला देखिए समानांतर चतुर्भुज की असाम्य भुजाएं का माप जो है फोर ए थ्री ए है यदि उनके बीच का कोण साठ डिग्री है तो समानांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इसमें से किसके बराबर होगा किसके बराबर होगा दोस्तों यह होगा रूट तेरह ए के बराबर तो आइए कैसे निकला वो भी हम लोग देखते हैं एक तो पहले आप समानांतर चतुर्भुज को बना लीजिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें ठीक है अब जो कह रहा है एक विकर्ण यहाँ पे हमने डाल दिया एक विकर्ण को नामकरण कर दीजिए अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये इसके अंदर जो है एंगल वो कितना का है सिक्सटी डिग्री सपोज कीजिए यहाँ पे ठीक सपोज क्या है इसमें दिया हुआ ही है कि सात डिग्री कौन है उन दोनों के बीच में तो साठ डिग्री हमारे पास दिया है तो क्या हम ये नहीं ले सकते हैं कि यहाँ से एक डॉट लाइन से हम परपेंडिकुलर गिरा लें है ना यानी लंब गिरा लें तो ये लंब का जो वैल्यू होता है ये कितना आता है नब्बे डिग्री होता है जिसमें यह वैल्यू कितना दिया है थ्री ए और ये वाला कितना है फोर ए है ना फोर ए यह भी फोर ए हो जाएगा और ये थ्री ए होगा होगा ना तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ से हम इसका हाइट निकाल सकते हैं ना तो ये निकाल के देखते हैं हाइट क्या सीधे ये ये है हमारे पास ये तो है ही है ना और ये वाली है हमें ये फाइंड करना है ना तो ये निकालते हैं इसको क्या कॉस सिक्सटी डिग्री ए डी -E, नहीं होगा जो हमने अभी बनाया था ए -E जो परपेंडिकुलर गिरा है दोस्तों वो वाला, -E जो यहां हमारा बना है होगा ना तो वन बाई टू कॉस सिक्सटी का वैल्यू ए होगा ठीक ए बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों ए -E बराबर जो होगा हमारा क्या आ जाएगा इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा थ्री ए बाई टू आएगा आएगा ना इतना यानी इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं वन पॉइंट फाइव ए लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब बी ई की बारी आती है तो बी ई जो है कैसे निकालेंगे फोर ए माइनस वन पॉइंट फाइव ए लिखेंगे आंसर आएगा टू पॉइंट फाइव ए साइन सिक्सटी का वैल्यू साइन जो है सिक्सटी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा डी ई बाई ए डी लिखेंगे डी ई बाई ए डी तो डी ई का वैल्यू तो डी ही है ए डी का वैल्यू थ्री ए है यहाँ पे यही रखिए और साइन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू इसको रखिए डी ई इज इक्वल थ्री ए क्रॉस मल्टीप्लेसन कीजिए इसको भी इसको इससे इसको इससे तो हमारा डी ई इज इक्वल क्या आ जाएगा थ्री रूट थ्री ए बाई टू आएगा यानी वन पॉइंट फाइव रूट थ्री ए आ जाएगा इसका अब हमें जो ट्रायंगल बना है ए ई बी जो ट्रायंगल हमारा बना था ए ई बी वाला ये इसमें हमारा परपेंडिकुलर पूरा था इससे नहीं मतलब हमारा ये पूरा ट्रायंगल समझो क्योंकि ये हमारा डायगोनल है मतलब बिकार है तो आइए ए ई बी में देखते हैं कि बी डी जो हमारा है बी डी का स्क्वायर बी ई e का स्क्वायर प्लस डी e के स्क्वायर के बराबर होगा सबका वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ एक आया है टू पॉइंट फाइव ए प्लस वन पॉइंट फाइव रूट थ्री ए का होल स्क्वायर आया है ना इसको तो रखते हैं अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता हो तो उसे आप ब्रेक कर सकते हैं या फिर सीधे इसका ब्रेक कीजिए ना फॉर्मूला छोड़िए सिक्स पॉइंट टू फाइव ए स्क्वायर आएगा प्लस सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ए स्क्वायर आएगा इस दोनों को सम करते हैं तो थर्टीन ए स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर में था तो इस पर रूट आ जाएगा यानी कितना आ जाएगा ये दोस्तों ये ए तो बाहर निकल आया लेकिन यह जो है थर्टीन ही रह जाएगा ए बाहर आ गया यानी ए रूट थर्टीन आ जाएगा आंसर है ना आंसर मेरा क्या आ जाएगा ये बाहर है ए आंसर आपका सी आ जाएगा के, के मान के लिए समीकरण जो है ए एक्स प्लस टू वाई बराबर फाइव थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल वन का अद्वितीय हल होगा इसका अद्वितीय हल क्या होगा एक्स डजंट इक्वल सिक्स होगा एक्स डजन इक्वल सिक्स कैसे आएगा दोस्तों तो आप देखिए यदि बन जाता है आपसे बहुत अच्छी बात है ए वन जो है के मानते हैं बी वन जो है तू मानते हैं सी वन जो है हमारा फाइव है ठीक है ना इसी में फिर ए टू हमारा थ्री है बी टू हमारा वन है सी टू हमारा वन है ए वन बाई ए टू डवल बी वन बाई बी टू लिखेंगे इसका वैल्यू रखिए ए वन का वैल्यू के लिखे थे हम लोग इसका थ्री डजन इक्वल टू बाई वन को तो क्रॉस कीजिए यानी कितना आ जाए के डजनट इक्वल सिक्स आंसर आ गया मेरा अगला देखिए वरुण और अनिल की आय का अनुपात बारह अनुपात तेरह है उनके व्यय का अनुपात दस अनुपात तेरह यदि वरुण और अनिल क्रमशः इक्कीस इक्कीस सौ तेरह सौ की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात करना हमें बारह इस टू तेरह दस इस टू तेरह है ना? ये इसको ऐसे करते हैं हम लोग ये करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों एक सौ तीस और ये करेंगे तो कितना जाएगा एक सौ ट्वेल्व थर्टीन जा थर्टी सिक्स ट्वेल्व वन जा ट फिफ्टीन वन फिफ्टी सिक्स आया मेरा इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं क्योंकि इसकी बचत जो है हमारा इक्कीस सौ दिया है और तेरह सौ तो अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा जो थर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेल्व माइनस थर्टीन मल्टीप्लाई टेन यह किसके बराबर आएगा यह जो है तो जितना दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन थ्री डबल ज़ीरो माइनस तेरह सौ इक्वल आएगा ना तो यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स यूनिट के बराबर कितना रहेगा चौदह हज़ार तीन सौ आएगा चौदह हज़ार तीन सौ होगा तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? एक यूनिट बराबर पाँच सौ पचास आ जाएगा तो हमें तो निकालना है किसका हमें दोनों का निकालना है ना दोनों के लिए क्या करेंगे जब एक यूनिट का पता हो गया तो हम वरुण का देख लेते हैं बारह यूनिट है पाँच से गुना कीजिए आंसर कितना आ जाएगा इसका सिक्सटी सिक्स फिर अनिल का देखिए तेरह यूनिट है उसका कीजिए मल्टीप्लाई पाँच सौ पचास इसका आ जाएगा सात हज़ार एक सौ पचास तो आंसर आ गया आपका बी निम्न को हल करें ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों इसका आंसर बी आ जाएगा क्योंकि इसको आप ब्रेक करिएगा कितना जाएगा? आ जाएगा नाइन बाई वन हंड्रेड आएगा आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बाई थ्री ऐसे दिया हुआ है तो आसान से आप बना सकते हैं यहाँ पे नीचे वन रखिए और इसको वन हंड्रेड बाई नाइन लिख लीजिए आपका आ जाएगा थ्री हंड्रेड बाई इसका वैल्यू थ्री आ जाएगा ना नाइन का थ्री वन हंड्रेड और प्लस सेम इसका भी वैसे ही वैल्यू निकाले फोर बाई सिक्सटीन बाई वन हंड्रेड होगा फोर बाई वन मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा दोस्तों फोर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हंड्रेड बाई फोर फोर से फोर कैंसिल ये भी हंड्रेड दोनों में प्लस की चिन्ह थी दोनों को ऐड कर दीजिए टू हंड्रेड दो प्रकृति संख्याओं का अनुपात छः अनुपात आठ है उनके गुणनफल दिया है सात सौ अड़सठ उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना हमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी चौबीस आएगी आइए दिखाते हैं कैसे चौबीस आया हम लोग का चौबीस जो है दोस्तों यह कैसे आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस एट एक एक्स इज इक्वल दिया है सेवन सिक्स एट ठीक दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा सेवन एट जब फिफ्टी सिक्स आएगा ना फिफ्टी सिक्स एक्स एक स्क्वायर आ जाएगा सेवन फाइव सिक्स सेवन सिक्स एट है फिफ्टी सिक्स है कितना टाइम्स में कटेगा फोर टाइम्स में कटेगा सिक्सटीन टाइम्स में और इस एल्शियम जो आएगा आपका सिक्सटीन टाइम में जो कटा है इसका रूट ओवर जो निकालेंगे हम लोग चार आएगा सबसे छोटी छ छो है चार छक्का चौबीस शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु दिया है नौ अनुपात ग्यारह ग्यारह साल बाद उनकी अनुपात उन दस अनुपात ग्यारह हो जाए तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आयु से रिलेटेड आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं हम इक्वेशन दे देते हैं दोस्तों वहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिएगा इसका आंसर ऐसे हो जाएगा डी होगा निन्यानवे वर्ष एक सौ दस यदि आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है देखिए पहले इक्वेशन पे बनाना चाहिए उसके बाद शॉर्ट यदि आता है तो बहुत ही अच्छी बात है टेन एक्स प्लस वन हंड्रेड टेन एक्स है दोस्तों ठीक है टेन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टेन बाई इलेवन आप क्रॉस मल्टीप्लेसन करके निकाल सकते हैं अगला देखिए रवि कांत जो है लगभग साढ़े बारह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तीन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है साइकिल और पैदल के द्वारा उसने चालीस किलोमीटर दूरी तय किया रवि कांत सात घंटा लगा दूरी तय करने में तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाया हैं आइए दिखाते हैं कैसे चलाए हो साइकिल कितने घंटे चलाए हैं कुल दूरी क्या हो जाएगी पहले तो आप लिख लेंगे कि रवि कांत ने जो है एक किलोमीटर वो ने साइकिल चलाए ठीक है पैदल कितना चले टोटल सात में से एक घटा देंगे कितना उसने पैदल चला है कुल दूरी कितना हो जाएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई सेवन माइनस एक्स होगा ना इज इक्वल फोर्टी होगा उसको so कैलकुलेसन करेंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन माइनस थ्री एक्स इज इक्वल फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव एक्स इज इक्वल नाइनटीन तो एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा नाइनटीन बाई नाइन पॉइंट फाइव उसको कैंसिल कीजिएगा टू आवर आंसर मेरा क्या आ गया दो घंटा टू साइन थर्टी प्लस फाइव कोस सिक्सटी प्लस थ्री साइन वन एटी

और छत्तीस उनकी संगत भुजान है दस प्रतिशत की हानि होती है बीस प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए उसने अट्ठाइस रुपया में कितने आम बेचने चाहिए कितने बेचने चाहिए तो उसको पैंतीस को बेचने चाहिए तब जाके उसे बीस प्रतिशत का लाभ होगा आंसर होगा डी

आंसर क्या आएगा इसका थ्री बाई फाइव आ गया हमारा विक्रय मूल्य अब एक आम का क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे थ्री बाई फाइव दिया है जिससे हंड्रेड बाई हमारा जो, जो लॉस हुआ है वो लिखेंगे नाइन्टी ट्वेंटी आई जीरो से जीरो कैंसर थ्री से थ्री यानी कितना आ गया टू बाई थ्री हमारा सी एस पी इतना है थ्री बाई फाइव हमारा सी पी है टू बाई थ्री अब जो क्या करेंगे हमें लाभ हो रहा है ना लाभ के लिए क्या लिखते हैं पहले सी पी लिखते हैं टू बाई थ्री एक सौ बीस बाई हंड्रेड सिक्स और फाइव होगा यहाँ टू टाइम्स में तो कटेगा नहीं फोर बाई फाइव आ गया फोर बाई फाइव हमें क्या हुआ ये हमारा एस पी निकल गया ठीक है अब जो है ट्वेंटी एट रुपये में उसे बेचने आमों की संख्या कितनी हो जाती है ट्वेंटी एट डिवाइडेड फोर बाई फाइव कर देंगे यानी इसको पलट ही दीजिए सीधे फाइव बाई फोर हो जाएगा सेवन टाइम्स में पैतीस को वह क्या करेगा बेचेगा तो यहाँ समीकरण बहुपद है हमें अल्फा और बीटा तो इसके योग निकालना है पहले तो इस फैक्टर को बनाइए फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू का फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग बनाते हैं टेन टेन का फैक्टर टेन का क्या बनेगा दोस्तों टेन का बनेगा फाइव टू या टेन है ना तो फाइव में से टू को फाइव माइनस फाइव और माइनस टू करेंगे तो दोनों का आंसर मेरा सेवन आ जाएगा उस पर रख सकते हैं ना आंसर जो मेरा आएगा अल्फा एक्स का वैल्यू जो आएगा वो जीरो आएगा ना एक्स का एक का जो वैल्यू आएगा मेरा एक का वन आएगा एक्स का जो आएगा एक टू बाई फाइव आएगा एक्स का वैल्यू ठीक है अब यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा वही एक्स का ही वैल्यू जो हुआ टू बाई फाइव और बीटा जो हुआ मेरा वन हुआ तो इसके विद्युत का योग निकालना है एक लिख लीजिए फाइव बाई टू प्लस इसका वन बाई वन आप बना सकते हैं इजी में है ना इसका एल्फियम लीजिए टू आ जाएगा इसका फाइव प्लस टू यानी सेवन बाई टू आंसर आ जाएगा डी अगला क्वेश्चन देखिए पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू ये फार्मूला ही होता है इसे याद ही करना होगा आपको अगला क्वेश्चन देखिए अगला सेक्शन आता है हम लोग का साइंस का सोडा वाटर को बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है कौन सी गैस निकलती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कासा का अव्यय घटक है कासा का अव्यय कौन कौन घटक है सी यू प्लस एस एन है बक्सा प्रकार के सोलर कुकर जो है बॉक्स टाइप सोलर कुकर में परिवर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं किस में लाए जाते हैं समतल समतल का यूज किया जाता है समतल दर्पण होमोसोपियंस शब्द किसने गढ़ा था होमोसोपियंस शब्द किसने गढ़ा है सी लिनियस गढ़े हैं आंसर बी है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त का पितरस अस्रावित करता है पितरस अस्रावित कौन करता है यकृत करता है राइट आंसर यहाँ पे बी है क्रिस्टलीय ठोस कौन है क्रिस्टलीय ठोस जो है कौन है दोस्तों आंसर है इसका डी सरकरा है आंसर शक्कर होगा डी होगा ग्रेफाइट की विद्युत चालकता के कारण ग्रेफाइट के निम्न में क्या बनाए जाते हैं क्या बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं आंसर होगा बी इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तो विद्युत क्षमता उसकी क्या हो जाएगी इनक्रीज करेगी बढ़ेगी किसी वस्तु का भार शून्य नहीं होगा कहाँ पे उसका भार शून्य नहीं होगा घर्षण रहित तल पर इसका भार जो होगा शून्य नहीं होगा अगला है साइट्रस कैंसर एक है साइट्रस कैंसर एक क्या है साइट्रस कैंसर जो है एक जनित रोग है आंसर ये है अगला क्वेश्चन देखिए पौधे में फ्लोएम का काम क्या है जल का काम जो है वो क्या करना पानी को पहुँचाना फ्लोम का काम क्या है दोस्तों यह सरकरा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है ना लोम का काम है आंसर सी है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला कौन नहीं है एम जी टू प्लस एम ए आर नहीं है आर्गन नहीं अगला क्वेश्चन देखिए वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है जब उच्च ताप एवं निम्न दाब पर करती है आंसर इसका डी होगा अगला क्वेश्चन देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है गलत जो है वास्तविक होता है आंसर डी होगा एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति एन तथा वेग भी यदि आवृत्ति को बढ़ाकर फोर कर दिया जाता है तो तरंग का वेग क्या होगा तरंग का तरंग का वेग जो होगा भी हो जाएगा आंसर ये होगा चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है किसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या रहता है आंसर सी है सिरके का रासायनिक नाम क्या है सिरके का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल है आंसर सी है धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है तब यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है आंसर बी होगा मेंडलिव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण के आवर्त फलन है परमाणु भार के आवर्त फलन है? आंसर बी है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है प्रोटीन एक कौन सा नहीं है इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है है ना तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा सेक्शन अगला जो आता है हम लोग का यह सोशल स्टडीज का आता है देखिए इसमें क्या है सत्य में व जायते शब्द लिया गया है कहाँ से लिया गया है दोस्तों यह लिया गया है मुंड उपनिषद से लिया गया है आंसर डी है उपनिषद की संख्या कितना है दोस्तों एक सौ आठ है उपनिषदों की संख्या उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है ना उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया है कब पारित किया गया है? जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस में पारित किया गया था माउंट बिटेन योजना को तीन जून तीन जून तीन जून योजना के नाम से भी जाना जाता है उस दिन ब्रिटेन का राजा जॉर्ज जो सिक्स थे वह आए थे अगला तो है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है कितना डिग्री का अंतर है तीस डिग्री का अंतर है निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है राइट आंसर सी होगा सनसेट टू थाउजेंड एंड इलेवन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश लो, लोक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक पदों की वरीयता क्रम में सबसे क्रम का कौन पद है कौन पद है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद है आंसर ये होगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेखन किया गया है अनुच्छेद चौदह से अठारह में है समानता का अधिकार स्वतंत्रता तो का अधिकार किसमें है दोस्तों 19 से 22 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है 23 से 24 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है त्रिपिटक क्या है त्रिपिटक क्या है त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है आंसर डी है निम्नलिखित में से किसने अठारह के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया कौन उल्लेखित किए थे बी डी सावरकर किए थे आंसर बी है ड्रेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था 1945 में प्रस्तुत किया गया था कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है किस राज्य में स्थित है दोस्तों तो यह जो है बिहार में स्थित है राइट आंसर डी है इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी आंसर सी है है शब्द से क्या तात्पर्य इसका मतलब है एक ऊंचा बादल आंसर सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद चौवन में किया गया है अनुच्छेद बावन में क्या है तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह है तिरपन में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और चौवन में तो आपको पता ही चल गया निर्वाचन मंडल है और पचपन में क्या है तो यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है पचपन में अगला क्वेश्चन देखिए मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना हॉर्स पावर शक्ति है आंसर हो जाएगा डी बारह हजार शक्ति है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किए थे सोलह सौ चौहत्तर ईस्वी में राइट आंसर सी है जगदीशपुर बिहार में अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था कौन किए थे आंसर हो जाएगा इसका बी वीर कुंवर सिंह जी किए थे अगला है निम्नयुक्त में से तूफानी चालीसा कहा जाता है तूफानी चालीसा तूफानी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में चालीस डिग्री से लेकर साठ डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाएं को क्या कहते हैं तूफानी चालीसा यह दक्षिणी गोलार्ध में चलता है बिहार के किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में नीस शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टाने की बहुलता दिखाई देती है किसकी दिखाई देती है यह दिखाई देती दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र पर आंसर डी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल आर्टिकल में 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 कहा गया है? किस में कहा गया गया है 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 अनुच्छेद दोस्तों ये दो में है। कौन कौन देखिए एक जो है कि आपका चौसठ में है और एक जो है एट्टी नाइन में भी है ठीक है तो आंसर डी हो जाएगा अठारह सौ अठहत्तर के वैनिकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था कौन रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन इसको बंद कर दिया था रद्द कर दिया था अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आता है इसमें बताना है कि अगला शब्द क्या आएगा ढांचा मकान अस्थि पंजर तो क्या होगा आंसर हो जाएगा शरीर यानी कि ढांचा जो मकान बनाने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो वैसा ही अस्थि पंजर तो अस्थि पंजर दिया है तो क्या उससे बनेगा मानव ही बनेगा शरीर बनेगा उसे चुनिए जो अन्य तीन से अलग है कौन अलग है इसमें कुर्सी सोफा फूल में होता है चेहरा आंख में होता है आँख में ही चेहरा होता है लेकिन आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला दे से से? के के दर्शाना में तो आइए सार्थक क्रम कौन सा होगा बताइए सार्थक क्रम जो होगा इसका आंसर होगा दोस्तों होगा पहले आएगा लुगदी लुगदी से बनेगा कागज कागज से हो जाएगा मुद्रण मुद्रण की बात करेंगे हम लोग प्रकाशन अनु लो उसके बाद करेंगे खरीदारी आंसर हो जाएगा ए दिया गया है अनुक्रम इसमें लुप्त जो संख्या है वो क्या आएगा तो लुप्त जो संख्या है यह आएगा ये है न्यारह सौ पैंतीस कैसे आएगा देखिए आप बता देते हैं नाइन थ्री फिर इसमें फोर फिर इसमें फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई फिर इसमें सिक्स ऐड करना है फिर इसमें सेवन टाइम मल्टीप्लाई फिर इसमें एट ऐड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए आएगा दिए गए विकल्प को लुप्त अंक को बताना है हमें

ये तेरह पे होता है दोस्तों ये ग्यारह पे दो इनक्रीज दो डिग्री है ना फिर आई आई नौ पे होता है दोस्तों तो ये क्या बना है जी है ना तो ये सात पे बना है यानी देखिए हमेशा दो डिक्रीज ही हो रहा है फिर एन जो होता है चौदह पे आता है तो ये देखिए बारह पे आया है. सब इन डिक्रीज ही कर रहा है वैसे ही यहाँ पे भी डिक्रीज कीजिए चार है ना चार से दो आना चाहिए आंसर इसी दोनों में से आएगा कोई ठीक है ना तो पहले तो हमारा बी स्टार्ट होगा फिर नौ नौ से दो कम यानी सात यानी जी आएगा फिर ए ए से दो कम यानी वाई आएगा फिर क्या है जी जी सात पे आता है सात से दो कम यानी पाँच ई आएगा आंसर ये मैच कर रहा है ना यहाँ पे तो पी आ गया तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बी देखिए ए की बहन बी है तथा सी की भाई ए है डी की माँ ई है तथा ए का भाई डी है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है हमें यह बताना है आंसर इसका तो आएगा दोस्तों पुत्री है ना देखिए कैसे बनेगा सी जो है यहाँ पे पहले देखिए ए जो है हमारा क्या है बी है बहन है ठीक है माइनस यानी बहन याद रखिए प्लस यानी भाई है ये किसका सी का भाई है ठीक है ना ए जो है सी का भाई है लेकिन ए की बहन बी है ठीक है यहाँ पे जो है हमारा डी डी किसका ए का क्या है भाई है ए का भाई है ना और यहाँ पे जो ई e की बात कहा जा रहा है e ई जो है मदर है किसकी मदर है तो ये इसकी माँ है इसकी माँ है यानी इसकी भी क्या हो जाएगी माही क्योंकि ये दोनों भाई है ये भी दोनों भाई बहन है तो आंसर क्या हो जाएगी पुत्री अगला क्वेश्चन देखिए गए विकल्प में बताना है कि इससे कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है कौन अक्षर नहीं बनेगा आप इसे खुद देख सकते हैं क्योंकि इसमें है इसमें इसमें है 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 लेकिन सी सी दोस्तों है, है ना इस वर्ड में टॉक्सिक में जो है सी है लेकिन इसमें सी है ही नहीं तो आंसर बी होगा देखिए मोहन जो है एक बिंदु से दक्षिण दिशा में एक किलोमीटर चला ठीक है आप वैसे ही सेम डायरेक्शन बनाइए एक किलोमीटर समझिए दक्षिण चला और वहां से वह मुड़ गया बायु मुड़ा मतलब इधर गया ठीक है दोस्तों यहाँ पे है ठीक अब यहाँ से बाए मुड़ रहा है बाएं मुर् किलोमीटर इधर एक किलोमीटर चला चलाइए अभी बाएं एक किलोमीटर पुनः वह बाए मुड़ा पुनः वह बाय एक एक किलोमीटर मुड़ रहा है अब बताना है उसका मुख किस दिशा में है यह जो है किस दिशा की ओर मुख है उत्तर की तरफ मुख है ना आंसर हो जाएगा इसका सी होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें दिए गए रेखांकित को जैसे पति पत्नी और परिवार को पारंपरिक संबंध में सही प्रदर्शन करना है आंसर क्या जाएगा इसका आंसर इसका डी बनेगा क्योंकि पूरे परिवार में पति पत्नी होते हैं अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का जनरल हिंदी का आता है देखिए क्या है चंद्ररे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पौध दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार इनमें कौन सा रस है कौन सा रस है दोस्तों वीर रस है राइट आंसर ये है निम्नलिखित में से विकल्पों में से संग। विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं व्यक्तिवाचक मतलब जिसका खास नाम हो उसी को व्यक्तिवाचक कहते हैं ना आंसर हो जाएगा इसका ए क्योंकि राम भी नाम है रामचैत्र भी नाम है और गंगा भी नाम है रसखान यह कैसे कवि थे रसखान जो थे भक्ति कालीन कवि थे आंसर हो जाएगा ए अब यह जो है हमको नीचे दिया गया ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है निन्यानवे से लेकर एक सौ एक तक का प्रश्न अच्छा। इससे पूछा गया है तो आइए पढ़ते हैं इसको हम लोग स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं विश्व में विचारक दस में से एक ही व्यक्ति होते हैं उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अल्प होती है अत्यल्प होती, होती है पूंजी का जो है रचयिता कौन है कालमक्ष जो जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा राज्य अधिकारियों ने सुक्रात को करवा डाला पर वह जीवन पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था यदि उसे पुरस्कृत किया जाता प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगती हैं किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा क्वेश्चन हमारा क्या है प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है इसका मतलब है दोस्तों ढेर से लाद दिया जाता है ना तो राइट आंसर डी होगा भली भांति निर्वाह कर चुका था उपयुक्त तो तो वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है क्रिया विशेषण भली भांति होगा क्योंकि इसके बाद तो क्रिया है कर तो ये जो है भली हमारा विशेषण हो जाएगा जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है कौन नहीं किया जा सकता शक्तिशाली नहीं किया जा सकता आंसर हो जाएगा बी संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है चार है आंसर हो जाएगा बी कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है हमें स्त्रीलिंग कौन सा इसमें सूचना आंसर बी होगा उपसर्ग किसे कहते हैं किसे कहेंगे जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता, देता। है आंसर बी होगा हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद हमें बताना है हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों हिम आलय आंसर बी बच्चे गाना गा चुके हैं इस वाक्य में मुख्य क्रिया का पहचान हमें करना है मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा गा आंसर सी होगा दूध वाले से कहो कि वह बीस लीटर दूध तुरंत ले आए वाक्य कैसा है यह वाक्य जो है आज्ञावाचक है आंसर ए होगा। जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएं होती हैं, वह क्या कहलाती है वह कहलाती है चौपाई आंसर हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन देखिए मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे इस वाक्य में कारक बताना है कारक इसमें क्या हो जाएगा संप्रदान आंसर हो जाएगा सी संप्रदान आपको तो याद ही होगा कारक नाम और उसके विभक्ति बोधक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हे अहो अरे होगा वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं अल्प विराम चिन्ह को पहचानना है में ये हो सकता है कॉमा होगा हो सकता नहीं कन्फर्म है होगा विकल्पों में से सही चयन स्थानों पर सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही है ने? क्या नहीं लग रही है सावित्री को सत्यवान की प्राणों की चिंता में उन्हें भूख और प्यास नहीं लग रही है आंसर हो जाएगा बी अगला है सभ्यता के दौर में संवेदनशीलता से संवेदनशीलता सम, जैसे मानव मनो वेगु का साथ डैश छूट जाता है आंसर हो जाएगा इसका सोता छूट जाता है आंसर ये हो जाएगा जिस समास में दोनों खंड समान हो कोई प्रधान गौण ना हो उसे कौन सा समास कहते हैं उसे द्वंद समास कहते हैं आंसर भी है लड़का सोता है यह वाक्यांश यह वाक्य संबंधित है यह वाक्य कैसा है अकर्मक है आंसर बी है ययावार का अर्थ क्या है यह ययावर का ययावर का अर्थ है इसका मतलब होता है कि एक स्थल पर टिक कर न रहने वाला आंसर हो जाएगा सी निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है संयुक्त वाक्य क्या है इसमें जो और से जुड़ा हुआ है ना उसने खाना खाया सो गया खाना खाया और सो गया तो आंसर हो जाएगा सी हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए अव्यय की पहचान करना है आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय आंसर सी होगा अगला है वह मेरे लिए चाय बना रहा है कौन सा कारक है यह कारक जो है संपर्दान कारक आधारित का तो पांच प्रश्न दिए गए हैं ना इस गद्यांश के ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक उत्तर के लिए दिए गए चार विकल्प में से एक उचित को चुनना है हमें देखिए क्या है पढ़ते हैं दुनिया में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्व पाए जाते हैं लेकिन जहाँ मानवता आती है वहीं मनुष्य संघर्ष के तत्व को जैसे हो सके कम करने में कोशिश कर कम करने की कोशिश करता है और सहयोग और परस्पर उपकारिकता को बढ़ावा दे बढ़ाता जाता है इसी से मानव की मानवता चरित चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है तत्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों है इसमें हिंसा का तत्व जैसे हो सके उत्तरोक्त कम करते जाना अहिंसा को बढ़ाते जाना यही है उन्नत जीवन की साधना ऐसे उन्नत जीवन को अध्यात्म जीवन कहते हैं क्योंकि इसमें आत्मशक्ति का परिचय और आनंद बढ़ता जाता है प्रेम सेवा स्वार्थाज स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों का विकास आत्म परिचय के बिना नहीं हो सकता है जो लोग आत्मा को जो लोग आत्मा को पहचानते हैं वे दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं उपयुक्त गधांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा इसका आंसर जो होगा आंसर इसका जो होगा दोस्तों आध्यात्मिक जीवन होगा आंसर क्या हो जाएगा ए आध्यात्मिक जीवन ऐसे हम लोग ने यह भी सेशन कंप्लीट किया फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में